राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी, हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री लालचंद कटारिया जी, रंद यादव साहब, पूर्व सांसद करण सिंह यादव जी, ब्रजकिशोर शर्मा जी, शकुंतला रावत जी, इंदिराज जी, बलजीत यादव साहब, हमारे जिला प्रमुख मूलचंद मीणा जी, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, मनीष यादव जी, रामचंद्र सराधना साहब, बैरलाल बागड़ी जी, मंच पर सभी कांग्रेस पार्टी के नेता पदाधिकारीगण, आज इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, कृष्णा जी ने भी भाषण दिया और जयपुर ग्रामीण में सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सघन चर्चा के बाद राहुल गांधी जी ने ये टिकट दिया है हम सब की सलाह से, और एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो किसान परिवार से आती हैं और देश का नाम रोशन किया है खेलों के अंदर और जनसेवा में पिछले कई सालों से आपके बीच में इस प्रदेश में काम कर रही हैं, निर्वाचित विधायक भी हैं। लेकिन ये चुनाव हम लड़ रहे हैं किसी एक प्रत्याशी के खिलाफ नहीं, ये चुनाव कृष्णा जी को संसद में भेजने तक या शकुंतला रावत जी को करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ रुपए दिलवाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव राजस्थान में जो सरकार बनी है उसके हाथ मजबूत करने का चुनाव है, ये चुनाव किसानों की आवाज को बुलंद करने का चुनाव है, ये चुनाव नौजवानों को बेरोजगारी के जाल से बाहर निकालने का चुनाव है, ये चुनाव देश में संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने वाले ताकतों को निपटाने का चुनाव है, ये चुनाव आने वाले 5 साल में देश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। इसलिए साथियों, बानसूर से विधानसभा क्षेत्र से जब तक आप लोग अधिक से अधिक वोट, 36 कौमों के लोग मिलकर कृष्णा जी को आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। 3 महीने पहले चुनाव हुए, आपने कांग्रेस पार्टी को जिताया, उसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन 3 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो भी आपके सामने है। 5 साल तक वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री मोदी जी थे और मोदी साहब राजस्थान में रोज सभाएं कर रहे हैं, सब बातें करते हैं दुनिया की, देश की, विदेश की, एक बार नहीं बताते कि 5 साल के आपके प्रधानमंत्री कार्यकाल में आपने राजस्थान को क्या दिया है, कितने अस्पताल खुलवा दिए, कितने हवाई अड्डे बना दिए, कितनी ट्रेन चालू कर दी, कितने उद्योग लग गए, संपूर्ण बहुमत की सरकार आपके पास रही। वोट लेने हर 5 साल में आप आ रहे हैं लेकिन 5 साल तक आपने राजस्थान को क्या दिया, कितना दिया, इसका लेखा जोखा जनता को बताओ, अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करो, तब वोट मांगने का आपको अधिकार है। लेकिन ले दे के वही बातें करनी है, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, इन बातों में कुछ रखा नहीं है। चुनावी मुद्दे होते हैं रोजी रोटी के, किसान के, नौजवान के, हमारे मतदाताओं के जीवन को बेहतर करने के लिए। आपने 5 साल में क्या किया, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जज्बातों से खिलवाड़ कर वोट लेना ये देश का विकास करना नहीं हुआ। 5 साल पहले हम चुनाव हारे थे, केंद्र के चुनाव में हमने अपनी हार को स्वीकार किया, 45 सांसद लेकर राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया, लोकसभा के अंदर किया, जमीन अधिग्रहण कानून को मोदी साहब भाजपा की सरकार खत्म करना चाहती थी, हमने आठ बार मोदी सरकार ने कानून को बदलने की कोशिश की संसद में, पूरा बहुमत उनके पास था लेकिन 45 एमपीओ को लेकर राहुल गांधी जी ने 8 बार उस विधेयक को नहीं हटने दिया ताकि किसानों की लड़ाई जारी रखें। आज जवाब मांगने का समय आप लोगों के पास है, कृष्णा पूनिया जी को चुनाव लड़ाने के समय सब लोगों से बात हुई और हमें लगा कि एक नौजवान प्रत्याशी, एक महिला जो सबको साथ लेकर चले, इस प्रकार का उम्मीदवार आपको दिया है। अब बानसूर के लोगों को अध्ययन करना है कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ, और सुनहरा मौका था भाजपा के पास, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, पूरी ताकत इनके पास थी, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ग्राम पंचायतों में, देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में वो विकास कर सके जो वादे किए थे, ना तो रोजगार के, ना किसान की फसल, किसान की आमदनी को दुगनी करने के। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में जो एक टकराव पैदा हुआ है, एक
ऐसा जहर घोला गया है जानबूझ के कि जाति धर्म के नाम पर एक कड़कड़ाहट पैदा हो जाए, मनमुटाव पैदा हो जाए, संघर्ष पैदा हो जाए, अमन प्रेम भाईचारा। राहुल गांधी बोलते हैं भाई हम चुनाव हराएंगे भी आपको तो प्यार मोहब्बत से हराएंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि तुम सपनों में मुझे जिंदा मारना चाहते हो। अरे प्रधानमंत्री जी हम सबके हैं, आप हजारों साल जियो, हर साल के दिनों लाखों लाख, हम तो आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं, लेकिन चुनाव में राजनीति में हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। आप ये जज्बाती बातें कर वोट बटोरने की राजनीति खत्म करें, जनता के साथ न्याय करें, और इसी काम को करने हमारी सरकार लगी हुई है। मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बानसूर के लोगों को जितना विकास चाहिए उससे ज्यादा विकास हम लोग कराएंगे। आपके बीच कभी कमी नहीं आएगी, ना पैसे की, ना योजना की, ना धनराशि की। लेकिन आज हम सब लोग इकट्ठा होकर आप लोगों से करबद्ध निवेदन करने आए हैं। ये कृष्णा जी हमारी बहन है, अपनी बहन का आपको ख्याल रखना है, और एक एक वोट जब पंजे पर दबेगी और वोट निकलेगी 23 तारीख को देश में एक नई सरकार आएगी। ये कितने भी दावे कर ले भाजपा के साथी, दक्षिण भारत में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में सफाया होगा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वहां पर भी भाजपा को विदाई देने के लिए जनता तैयार बैठी है। तो इनका जाना तय है, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। 23 मई को नए प्रधानमंत्री देश में आएंगे और नई कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जरूरी है कि जयपुर ग्रामीण के तमाम साथी मिलकर और विशेष रूप से बानसूर के मतदाता कृष्णा पूनिया जी को हाथ के बटन पर वोट देके अपना बहुमत दें, अपना आशीर्वाद दें। और आप सबसे उम्मीद करता हूं, अभी समय कम है, अब बहुत भाषण देंगे बीजेपी के नेता, बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन गांठ बांध के रखना, ये जीत आपकी जीत है, महिलाओं की जीत है, पिछड़ों की जीत है, किसान की जीत है, गरीब व्यक्ति की जीत है, आम आदमी की जीत है। इसलिए 6 तारीख को भारी बहुमत देकर कृष्णा जी को जिताकर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।